हेलो गाइस, आई एम विपुल चौधरी फ्रॉम टीम रस्टी वेजेस। वेलकम टू अवर चैनल। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं DR15, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है, टीम रस्टी वेजेस ने बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे खड़ी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कॉपीराइट ना आ जाए टेक्निकल गुरु जी का। चलिए चलिए सबसे पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे दूँ इस गाड़ी का। ये एक लाइट वेट स्पोर्ट्स कार है, और अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ 14 फीट 9 इंच है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी गाड़ी है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 5 फीट 11 इंच चौड़ाई है इसके इस गाड़ी की। और अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए, व्हील बेस यानी अगले वाले पहिए से पीछे वाले पहिए का डिस्टेंस, अगर इस व्हील बेस की बात की जाए तो इसका व्हील बेस 5 फीट का है। और अगर इसके व्हील ट्रैक की बात की जाए, व्हील ट्रैक का मतलब है आगे वाले दो पहियों का बीच का गैप और पीछे वाले दो पहियों का बीच का डिस्टेंस। इसका आगे का व्हील बेस 5 फीट का है और पीछे का व्हील बेस 6 फीट का है, यानी आगे से ये गाड़ी 5 फीट चौड़ी है और पीछे से 6 फीट चौड़ी है। और टायर्स की बात की जाए तो इसके आगे वाले पहियों में 13 इंच के टायर यूज़ किए गए हैं, जो कि होंडा सिटी के हैं। एंड पीछे वाले टायरों की बात की जाए तो इसके पीछे वाले टायर 15 इंच के हैं, जो कि ऑक्टेविया गाड़ी के यूज़ किए गए हैं। और इस गाड़ी के चारों के चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स दे रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा डिस्क कैलिपर, रियर में भी है और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। और साइड में ग्राफिक्स, विंडशील्ड, सनरूफ, एरोडायनामिक्स के लिए साइड फिन्स एंड एयर वेंट्स साइड से, और पीछे एरोडायनामिक्स के लिए रियर फिन्स। एंड और ज़्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए और एरोडायनामिक्स के लिए रियर फिन्स। इस गाड़ी की A to Z सारी चीज़ें खुद बनाई गई है, एक्सेप्ट टायर्स, एक्सल, इंजन, वायरिंग, स्टेयरिंग, रैक एंड पिनियन एंड सस्पेंशंस। इस गाड़ी की पूरी चेसी, डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन, पेंटिंग, वेल्डिंग, कटिंग एक्सेट्रा सब कुछ हैंडमेड है। और ये फ्रंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बूट स्पेस दिया है, यहाँ पर कुछ सामान ऐसे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको मैक पर्सन स्ट्रट मिल जाते हैं। ये देखिए,
विद स्टेबलाइज्ड बार, जो कि यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता, नीचे से दिखाता हूँ। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका रहा फ्यूल टैंक फ्रंट में, और यहाँ पर ये रहा इसका रेडिएटर, क्योंकि एक बड़ा रेडिएटर आगे है और एक रेडिएटर पीछे है, तो उसमें इसके इंजन में ड्यूल कूलिंग दी है हमने। और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेबलाइज़र बार, जिसको हम एंटी रोल बार भी कहते हैं। यहाँ से पॉसिबल होगा, विजिबल होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रही इसकी एंटी रोल बार, स्टेबलाइज़र बार, जो कि गाड़ी को पलटने से बचाती है, एंटी रोल होने से बचाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से साइड वेंट्स दे रखे हैं, एयर वेंट्स एरोडायनामिक्स के लिए और इंजन कूलिंग के लिए। यहाँ से हवा मींस अंदर जाएगी, और यहाँ से फिर पीछे से एक तो ये फिन्स दे रखे हैं, यहाँ से हवा बाहर भी आएगी जो साइड के वेंट से अंदर जाएगी, वहाँ से जाएगी, यहाँ से सारी हॉलो है अंदर से, और यहाँ से वापस भी आएगी। और ऊपर से यहाँ से अगर देखा जाए तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एयर वेंट्स है वो वहाँ है, यहाँ से थोड़ा विजिबल नहीं होगा। हाँ, ये पूरा अंदर से हॉलो है और ये एयर वेंट है इंजन की कूलिंग के लिए। और यहाँ से हमने अंदर से ग्रिल्स भी देखी हैं इंजन की कूलिंग के लिए, और अगर इंजन हीट अप होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ से वो हीट बाहर आ सकती है। और यहाँ पे इसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है इसके, वहाँ पे इन ग्रिल्स के अंदर, यहाँ से भी हीट बाहर आ सकती है। और यह रही टीम रस्टी बैजेस, इसके क्रिएटर्स के नाम अनुपम कुजूर, विपुल चौधरी, जो कि मेरा नाम है, और हर्षित अधिकारी। तो बेसिकली इस गाड़ी को बनाने के जो मकसद हैं, एक तो हमें बनानी थी फोर व्हीलर कार, जैसे कि आप जानते ही हैं इससे पहले हमने एक थ्री व्हील कार बनाई थी जो कि 223 सीसी हीरो होंडा के इंजन से पावर्ड थी, और ये बनानी थी हमें एज ए फाइनल प्रोजेक्ट में फोर व्हीलर कार और स्पोर्ट्स कार। तो एक तो हमें ये वर्कशॉप में ही बनानी थी क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो वर्कशॉप में हमें लैक ऑफ टूल्स की वजह से कुछ मीन्स कुछ जुगाड़ करके और हैंडमेड बनानी थी, और कॉस्ट कटिंग भी रखनी थी, एक बजट और परफॉर्मेंस कार प्रोवाइड करानी थी हमें। ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का, होंडा का 1.5 लीटर हाइपर 16 वॉल्व फोर सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन चूज़ किया हमने इसके लिए। और क्योंकि वो 2003 का मॉडल है, सो 2003 मॉडल की जो होंडा सिटी है उसका कर्व वेट है 1086 किलोग्राम, तो हमने उस चीज़ को रिड्यूस करके इस गाड़ी का वेट है राउंड फिगर करके अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोग्राम, मींस 300 किलोग्राम सीधा कम, मींस जो 1.5 लीटर इंजन एक 1100 किलोग्राम की होंडा सिटी को रन कर रहा था, अब वो वही इंजन एक 800 किलोग्राम की गाड़ी को रन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पावर टू द वेट रेशो बढ़ जाएगी, जो कि हमने इसका मेजर पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इसको वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके इंजन की बात कर लेते हैं। यह है इसका इंजन कंपार्टमेंट, और यह रहा इसका इंजन जो कि 2003 मॉडल का 1.5 लीटर होंडा वीटेक हाइपर 16 वाल्व इंजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर फिल्टर, ये इसका रेडिएटर, और ये 1493 सीसी का इंजन है ये, और 100 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है। और ये फोर सिलेंडर इंजन है, और मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 100 बीएचपी एट 6500 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 13 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4600 आरपीएम। और होंडा कंपनी क्लेम करती है इस इंजन की माइलेज 12.8 किलोमीटर है, और ये पेट्रोल इंजन है जैसे कि आप देख सकते हैं। चूँकि ये फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है तो इनलाइन इंजन है,
और जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिकली हमने फ्रंट व्हील ड्राइव को रियर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट किया है। होंडा सिटी में ये इंजन फ्रंट में प्लेस्ड होता है, लेकिन हमने इसको रियर में कन्वर्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसके एक्सल्स, और यहाँ से ये इसकी ट्रांसमिशन लिंकेजेस जो कि सीधे ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, अंदर बैठ के देखते हैं। जैसे आप देखते हैं इसके डोर्स रिवर्स सुसाइडल डोर्स हैं, बाहर को ओपन होते हैं। तो लीजिए हम अंदर आ चुके हैं, सीट थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं ये रहा इसका डैशबोर्ड, ये पूरी गाड़ी हैंडमेड है। इवन इसकी स्टिचेस डैशबोर्ड की, ये मेटालिक है अंदर से, लेकिन इसके ऊपर फोम की स्टफिंग को रखी है और फोम के ऊपर ये रैक्सिन लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं नीचे, दो कंट्रोल्स के लिए जगह है, यहाँ पे लगाए नहीं गए हैं। एक ये लाइट्स का कंट्रोल है, एक ये लीडर के फैन का है, और एक ये एलईडी लाइट्स का कंट्रोल है। और जैसे कि इसका ट्रांसमिशन मैनुअल है, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है प्लस 1 रिवर्स गियर, इसके आप देख सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच, और कुछ फायर्स यहाँ पे कवरिंग नहीं हो रखी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहे इसके पैडल्स, एक्सेलेटर पैडल, ब्रेक पैडल एंड क्लच पैडल। यहाँ की अंदर से अंदर इसके इसकी इंसुलेशन नहीं हो रखी है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्टेयरिंग का रैक एंड पिनियन भी अंदर से दिख रहा है, और काफ़ी कुछ अंदर से दिख रहा है। और आप जज मत कीजिएगा क्योंकि मारुति का स्टेयरिंग लगाया हुआ है, बिकॉज़ ये बजट फ्रेंडली गाड़ी है और ये एक प्रोजेक्ट है हमारा फाइनल ईयर का। अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग नहीं है, मैनुअल स्टेयरिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं स्टेयरिंग यहाँ से रोटेट करूँगा, वहाँ से स्टेयरिंग मैकेनिज्म रोटेट होगा, रैक एंड पिनियन। और ये एक प्रोटोटाइप है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। और जैसे आप देखते हैं ये यहाँ पे विंडशील्ड इसकी थोड़ी बहुत गंदी है, और ऊपर की तरफ देखिए तो सनरूफ, और ये को पैसेंजर सीट, लेग रूम इसमें काफ़ी अच्छा है एकदम, मींस 6 फीट का आदमी भी इसको आराम से ड्राइव कर सकता है, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। और ये इसकी फाइबर शीट है, ग्लास फाइबर, ये भी ग्लास फाइबर है। बात करें व्यू की तो यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है, और लाइटनिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक सनरूफ काफ़ी बड़ा है, साइड की विंडो एरिया भी काफ़ी बड़ा है, और विंडशील्ड भी काफ़ी बड़ी है। मींस गाड़ी काफ़ी एयरी है, और ड्राइविंग में कुछ थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसका बोनेट काफ़ी लंबा है, और आगे इसकी जजमेंट के लिए आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर। और अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात की जाए तो मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हेडरूम है, आराम से एक 6 फीट तक का बंदा यहाँ पर बैठ सकता है। लेकिन अगर आई थिंक 6 फीट का बंदे के लिए हेडरूम थोड़ा कम रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं एर्गोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो एक वर्कशॉप लेवल पर और हैंडमेड गाड़ी में जितना कंफर्ट हो सकता है वो कंफर्ट इस गाड़ी में है। कंफर्ट के मामले में ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं इसको 2 बार ड्राइव कर चुका हूँ। और अगर हम रियर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये आप देखते हैं ये रूफ लाइनिंग, और ये पीछे का रियर कंपार्टमेंट। ये वायर जो आपको दिख रही है ये क्लच वायर है, इसको हम ढंग से प्लेस कर नहीं पाए जल्दबाजी के टाइम में। ये जो आपको वायर दिख रही है ये है क्लच वायर, जिसको हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड साइड की वॉल्स। जो ब्लैक कलर आपको सब दिख रहा है ये सब रैक्सिन है, और रैक्सिन के अंदर
फोम की स्टफिंग कर रखी है, और स्टफिंग के पीछे पूरी मेटालिक शीट्स हैं एंड चेसी है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है, पीछे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज़ हमारा प्लान था इसको 4 सीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ टाइम की वजह से हम इसको कर नहीं पाए, इसको 2 सीटर बनाना पड़ा। और ये रही इसकी ट्रांसमिशन टनल जो कि एकदम लास्ट तक जाती है, और ट्रांसमिशन टनल में ट्रांसमिशन लिंकेजेस हैं एंड वायरिंग है, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ ओपन करके, ये आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसमिशन लिंकेजेस हैं जो हमने खुद इन्वेंट की है, इंजन से लेके ट्रांसमिशन गियर नॉब तक, एंड इसकी वायरिंग है, और इसके आप पीछे देख सकते हैं एकदम पीछे तक जाती है। रियर साइड से व्यू देखा जाए तो अंदर से कुछ ऐसा व्यू मिलता है, इसका सनरूफ दिखता है, विंडशील्ड, और ये ट्रांसमिशन टनल, फ्रंट सीट्स एंड रियर व्यू। हेलो गाइस, ये रहा नाइट व्यू गाड़ी का, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने इसमें LEDs और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाए हैं, आप देख सकते हैं व्यू। और अगर आपको मैं लाइट की डेंसिटी और इंटेंसिटी दिखाऊं दूँ तो ये देखिए काफ़ी दूर तक जाती है लाइट, मींस 40 और 60 की स्पीड तक इसको हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं इस लाइटों के साथ। और अगर हमने इसको हाईवे पे ड्राइव करना हो या मेन रोड पे ड्राइव करना हो तो हमें लाइट्स की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें हाई इंटेंसिटी वाली हैलोजन लैंप्स लगाने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको गाड़ी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।